नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टिल इंडिया और मैं हूं आपके साथ एकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कृषि और बागवानी फसलों की अधिक उपज वाली, जलवायु के अनुकूल और खाद फसल के पोषण मूल्य को बढ़ाने वाली प्रोसेस बीजों की 109 किस्मों को जारी किया है। दरअसल इस पहल का मकसद कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने डेवलप किया है और ये कुल 61 फसलों से संबंधित है। इनमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें शामिल है। पीएम मोदी ने दिल्ली के पूसा परिसर में 3 प्रायोगिक कृषि भूखंडों पर इन बीजों को पेश किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मोदी ने किसानों के साथ नई किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए कृषि में वैल्यू एडिशन के महत्व पर भी जोर दिया है। इस अवसर पर मौजूद किसानों ने कहा है कि 61 फसलों से संबंधित ये नई किस्में कम लागत के कारण उनके लिए काफी लाभकारी होगी। प्रधानमंत्री ने बाजरे के महत्व पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि लोग किस तरह पौष्टिक भोजन का रुख कर रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों और जैविक खेती के प्रति आम लोगों की बढ़ती रुचि के बारे में भी बात की है। इसी के साथ पीएम मोदी ने खेती के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान और अटल बिहारी वाजपेयी के वाक्यांश जय विज्ञान को भी याद किया। पीएम मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे उन्होंने अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता देते हुए इस वाक्यांश में जय अनुसंधान को भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि 109 उच्च उपज वाली किस्मों को जारी करना कृषि में नवाचार और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने का एक ठोस परिणाम भी है। प्रधानमंत्री ने किसानों से पूछा कि क्या वे बीज की नई किस्मों का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि उन्हें पहले अपनी जमीन के छोटे हिस्से में कई किस्म का उपयोग करना चाहिए और संतोषजनक परिणाम के बाद ही इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से काम करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराई। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन और मांग करना शुरू कर दिया है। बयान के मुताबिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों और कृषि विज्ञान केंद्रों KVK की भूमिका की भी सराहना की। पीएम मोदी ने सुझाव दिया है कि KVK को हर महीने विकसित की जा रही है। नए किस्मों के लाभों के बारे में किसानों को सक्रिय रूप से बताना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नई फसल किस्मों के विकास के लिए वैज्ञानिकों की भी सराहना की है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन किसानों के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि 61 फसलों की बीजों की 109 किस्मों को जारी किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिलेगी। चौहान ने कहा कि इन फसलों के बीज जलवायु के अनुकूल हैं और प्रतिकूल मौसम में भी अच्छी फसल दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये किस्में पोषण से भरपूर है। वैज्ञानिकों ने बताया कि वो कम मशहूर फसलों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। खेती की फसलों में अनाज, बाजरा, चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और फाइबर फसलें शामिल है। वहीं बागवानी की फसलों में फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय पौधों की नई किस्में भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 से ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए टिकाऊ खेती के तरीके और जलवायु अनुकूल तरीकों का वकालत करते रहे हैं। उन्होंने लगातार बायो फोर्टिफाइड किस्मों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और कुपोषण से निपटने के लिए उन्हें मध्याह्न भोजन योजना और आंगनबाड़ी सेवाओं जैसी सरकारी पहलों से भी जोड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस कदम पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।